रितु करिधल। रितु यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती है। वो बचपन से ही अखबारों में स्पेस साइंस के बारे में पढ़ा करती थी, इसीलिए वो इसरो और नासा के होने वाले हर स्पेस मिशन के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखती थी। जब 1997 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, इसके बाद वो मॉम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। वो इस मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी। क्या आपने कभी सोचा है, जिस मंगल ग्रह के बारे में आपने सिर्फ किताबों या इंटरनेट में पढ़ा है, क्या उसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मंगल ग्रह के बारे में ऐसे कई रहस्य जानना बाकी है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन्हीं रहस्यमयी बातों को जानने के लिए ही भारत ने भेजा था मंगलयान 1। तो किस तरह बना था पूरी दुनिया में भारत का मजाक? किन किन मुसीबतों को पार करने के बाद भारत कैसे सफल हो पाया था अपने मिशन मॉम में, और किस तरह दिया था भारत ने करारा जवाब दुनिया को? कितने देश इसमें असफल रहे और कितने देश अब तक मंगल मिशन पूरा कर चुके हैं? क्या अभी भी मंगल 1 मंगल ग्रह के मार्स ऑर्बिटर में है? अगर है तो अब क्या कर रहा है? कैसे दिन रात लगातार काम करके इस मिशन को सफल बनाए इन 5 महिलाओं ने? आइए जानते हैं। सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारतीय किसान हमारा गौरव। इसके बावजूद भारत ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता हासिल कर दुनिया के विकसित देशों को भी चकरा दिया, और इस तरह हमारा देश मार्स पर पहुंचने वाले एक एलीट मार्स क्लब में शामिल हो गया। क्योंकि कुछ ऐसी ही एक खास सफलता मंगलयान 1 की रवानगी की है। जब भारत अपना मिशन मंगल प्लान कर रहा था, उस दौरान दुनिया में भारत के मार्स मिशन को लेकर बहुत मजाक बनाया जा रहा था। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में एक कार्टून छापा गया जिसमें दिखाया गया कि एक किसान अपनी गाय लेकर एलीट मार्स क्लब का दरवाजा खटखटा रहा है, जहां 2 साइंटिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और कार्टून उस समय बहुत फेमस हुआ जिसमें दिखाया गया कि एलीट क्लब के मेंबर्स रॉकेट लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं और भारतीय किसान अपनी गाय लेकर एलीट क्लब में बैठा हुआ है। इसके बाद भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान भेजकर उन लोगों को उन्हीं के अंदाज में इसका करारा जवाब दिया। ये एक ऐसा अनदेखा करारा तमाचा था जो उन कार्टूनिस्ट के मुंह पर पड़ा जिन्होंने मंगलयान को लेकर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की। जब प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया था। मंगलयान, जिसे फॉर्मली मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम के रूप में जाना जाता है, देश के स्पेस साइंस की हिस्ट्री में 5 नवंबर का दिन एक खास उपलब्धि के साथ दर्ज है। इस दिन भारत ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रवाना किया। मॉम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट था। इस मंगल मिशन को पहले 28 अक्टूबर 2013 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से साइंटिस्ट्स ने इसकी लॉन्चिंग टाल दी और फिर 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगलयान 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग PSLV C-25 के जरिए सफलतापूर्वक की गई। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे। इससे पहले सिर्फ रूस, जापान, चीन, अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मंगल तक जाने की कोशिश की थी, जिसमें से सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही दूसरे प्रयास में कामयाब हो सके, जबकि भारत अपने पहले ही प्रयास में मिशन मंगल में कामयाब हो गया। 2011 में चीन का मंगल मिशन भी फेल हो चुका था। इसी के साथ ही एशियाई देशों में भारत पहला ऐसा देश था जिसने सफलतापूर्वक मार्स पर मंगलयान 1 भेजा। हमारे सोलर सिस्टम के लाल ग्रह पर अब तक 58 मिशन भेजे जा चुके हैं। सबसे पहले सोवियत संघ ने पहला मंगल मिशन 10 अक्टूबर 1960 को भेजकर इसकी शुरुआत की। अब तक 8 देशों ने मंगल मिशन भेजे हैं। भेजे गए 2/3 मिशन फेल हो चुके हैं और मंगल पर भेजे गए 13 लैंडर इस समय वर्किंग कंडीशन में है। मंगलयान 1 को पहले पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए टोटल 67 करोड़ किलोमीटर की जर्नी तय करके मंगल तक पहुंचना था। आखिरकार वो दिन भी आ गया।
भारत के मंगल मिशन का वो डिसीसिव स्टेज था जब मॉम 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचने ही वाला था। तभी सुबह यान को कुछ धीमा किया गया जिससे मिशन सफल हो सके। मिशन की सफलता उन 24 मिनट पर निर्भर थी जिस दौरान यान में मौजूद इंजन को चालू किया गया। मंगलयान की स्पीड इसलिए धीमी करनी पड़ी ताकि ये मंगल की ऑर्बिट में ग्रेविटी के कारण वहाँ खिंचा ना चला जाए या नष्ट ना हो जाए। जब भारत अपने अंतरिक्ष मिशन मंगलयान एक के जरिए सौर मंडल के लाल ग्रह मंगल पर पहुंचने ही वाला था, तभी पूरी दुनिया की निगाहें इसकी ओर टिकी थी, क्योंकि मॉम जिस कम बजट में पूरा किया गया वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के लिए इम्पॉसिबल बात थी। सुबह लगभग 8 बजे इसरो को मंगलयान से सिग्नल मिला कि मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया है, और इसी के साथ ही भारत विश्व में पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक पल के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के इसरो केंद्र में ही मौजूद थे। मिशन के सफल होते ही पीएम मोदी ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, आज इतिहास बना है। हमारे खिलाफ बहुत बाधाएं खड़ी थी लेकिन हमने असंभव को संभव कर दिखाया। तब नासा ने भी ट्विटर पर इसरो को बधाई दी। सर्च इंजन गूगल ने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन के मंगल की कक्षा में एक महीने पूरे होने पर अपने भारतीय होम पेज पर डूडल बनाया जिसमें उसने गूगल के सेकंड ओ पर मंगलयान की इमेज बनाई थी। वैसे तो मंगलयान 1 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन ये अभी तक काम कर रहा है। मंगलयान अभी मंगल ग्रह के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मंगलयान 1 के ऑर्बिटर ने हजारों की संख्या में तस्वीरें भेजी। इसकी भेजी तस्वीरों को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा खरीद रहा है। इनके जरिए नासा मंगल पर मीथेन की मौजूदगी पर रिसर्च कर रहा है। मंगलयान से धरती पर जानकारी पहुंचने में करीब 12.5 मिनट का समय लगता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन के मुताबिक मंगलयान 1 अब भी अच्छा काम कर रहा है। जो डेटा वो हमें भेज रहा है वो इसरो के लिए काफी मददगार है। इसके द्वारा भेजे गए डेटा के जरिए इसरो मंगल पर जीवन की संभावनाओं का पता लगा रहा है। अगर हम इसके बजट की बात करें तो कोई भी स्पेस मिशन इतने कम बजट में पूरा नहीं हो सकता जितना मॉम कर रहा है। मॉम जिस कम बजट में पूरा किया गया वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के लिए अविश्वसनीय था। मॉम की कुल कॉस्ट 450 करोड़ रुपए यानी कि 6,70,00,000 डॉलर रही, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। वहीं अमेरिका के मार्स मिशन मेवन की कॉस्ट लगभग मॉम से 10 गुना यानी कि 67.1 करोड़ डॉलर रही। मंगल ग्रह की सतह पर पहले से मौजूद सबसे ज्यादा चर्चित अमेरिकी रोवर क्यूरोसिटी की कॉस्ट 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तो वहीं मार्स प्रिजर्वेंस रोवर को रेडी करने में 11 साल लगे और इसको बनाने में 19,970 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी सस्ता है, क्योंकि फिल्म ग्रेविटी का बजट 10 करोड़ डॉलर था। इसरो के उस समय के अध्यक्ष राधा कृष्णन ने मॉम के बजट को लेकर कहा कि ये सस्ता मिशन रहा लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया, हमने इसे लगभग 15 महीने में पूरा किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के बाद अब इसरो मंगलयान 2 लॉन्च करने वाला है। अब इसरो के मंगल पर अवसर तलाशने के लिए एक और ऑर्बिटर मिशन भेजने की प्लानिंग है। अब भारत तेज सस्ता और सफल मिशन मंगलयान 2 मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे 2022 तक लॉन्च करने का प्लान है। यह अपने मिशन के साथ ऑर्बिटर लैंडर और रोवर ले जाएगा। कहा जा रहा है कि इस यान के साथ ही 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है, लेकिन इसरो की प्रायोरिटी अभी चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन है। लेकिन वर्तमान इसरो अध्यक्ष के सिवन के मुताबिक मंगलयान 2 मिशन के बारे में हम अभी सोच रहे हैं, हो सकता है मंगलयान 2 सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही हो। मॉम 1 का मकसद मंगल की सतह पर वहाँ मिनरल्स कंपोजिशन की स्टडी करना है, साथ ही वहाँ के वायुमंडल में मीथेन की पड़ताल करना भी है जो मंगल पर जीवन की संभावना को बताता है। इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर 4200 किलोमीटर दूर से ली। ये तस्वीर इतनी साफ है कि इसमें अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे भी दिख रहे हैं। इसरो के अन्य बड़े प्रोजेक्ट अगली कतार में है। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो ने शुक्र ग्रह पर भी अभियान भेजने का फैसला किया है, और चंद्रयान 3 के तहत इसरो रॉकेट एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा।
इसरो की योजना 2022 तक गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की है। इसरो के 500 वैज्ञानिकों की टीम ने मॉम प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन मिशन मंगलयान में महिला वैज्ञानिकों ने काफी काम किया था। करीब 27% महिला वैज्ञानिक मॉम के अहम पोस्ट पर थी। इनमें से 5 महिला साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इस मिशन को सफल बनाया। मीनल रोहित। कोलकाता में जन्मे मीनल ने इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। मीनल जब छोटी थी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब वो अक्सर बचपन में टीवी पर सैटेलाइट लॉन्च होते देखती तो स्पेस मिशन को देखते ही छोटी सी मीनल के मन में भी वैज्ञानिक बनने का जुनून सवार हो जाता है। इसके बाद उन्होंने 1999 में इसरो को ज्वाइन किया। उन्होंने यहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर काम किया। इसके बाद जब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम से जुड़ी तो इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 15 से 20 घंटे एक बंद कमरे में काम किया। इस दौरान इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। नंबर 2, अनुराधा टी के। अनुराधा का जन्म बेंगलुरु में 1961 में हुआ। इन्हें बचपन से ही साइंस में रुचि थी। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुंचे तो इस घटना ने इन्हें काफी इंप्रेस किया। हालांकि तब ये बहुत छोटी थी, लेकिन तब से स्पेस मिशन इनकी दिली इच्छा बन गया। जब 1982 में ये इसरो से जुड़ी तो ये वहां पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी और आगे चलकर मॉम का हिस्सा बनी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कभी कभी वो भूल ही जाती हैं कि वो एक महिला है, क्योंकि इसरो में उन्हें पुरुषों जैसा सम्मान दिया है। उन्होंने अपने जीवन में कई अवार्ड्स भी जीते। नंबर 3, रितु करिधल। रितु यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती है। वो बचपन से ही अखबारों में स्पेस साइंस के बारे में पढ़ा करती थी, इसीलिए वो इसरो और नासा के होने वाले हर स्पेस मिशन के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखती थी। जब 1997 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, इसके बाद वो मॉम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। वो इस मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी। उन्होंने मिशन के लिए दिन रात एक कर दिया। रितु कहती है, मॉम एक बड़ा चैलेंज था। हमें 18 महीने में इसकी तैयारी करनी थी। ये पहली इंडियन सैटेलाइट थी जिसमें फुल स्केल ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी थी, जो खुद अपनी समस्या सुलझा सके। रितु बताती है कि वो रोज अपने दोनों बच्चों को होमवर्क कराने के बाद वो मिडनाइट से इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाया करती थी। नंबर 4, मौमिता दत्ता। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। ये भी बचपन में चंद्रयान मिशन को देखकर बहुत प्रभावित हुई। ये तब से ही स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती थी। जब ये मॉम का हिस्सा बनी, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। एंड द लास्ट, नंदिनी हरिनाथ। नंदिनी हरिनाथ के पारिवारिक माहौल में ही विज्ञान बसा था। परिवार में सबको साइंस फिक्शन में बहुत दिलचस्पी थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद इसरो में इन्हें जॉब मिल गई। इसके बाद मॉम प्रोजेक्ट में नंदिनी ने प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइन डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के तौर पर काम किया। काम को लेकर टीम में इतना जुनून था कि वो सब दिन रात और खाना पीना तक भूल गए, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में और वो भी इतने कम बजट में इतिहास रच दिया। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसरो अपने अगले प्रोजेक्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मॉम के जरिए 2 या 3 साल के अंदर फिर से पूरी दुनिया के सामने अपने हुनर का लोहा मनवाएगी। धन्यवाद।